हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपेरिजन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 22 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। चाइना सेड इट विल नॉट अफेक्ट द टू कंट्रीज रिलेशंस विद इंडियाज एब्सेंस इन द सेकंड बेल्ट एंड रोड फोरम टू बी हेल्ड बिटवीन 25 and 27 अप्रैल। चीन ने कहा है कि 25 से 27 अप्रैल के बीच होने वाले दूसरे बेल्ट एवं रोड फोरम में भारत की अनुपस्थिति से दोनों देशों के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति की। इंडियाज फॉरेन मिनिस्ट्री सैड जयदीप सिंह बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन साउथ अफ्रीका। जयदीप इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर ऑफ 1987 बैच IFS, करंटली इंडियाज एम्बेसडर टू भूटान। ही हैज ऑलरेडी सर्व्ड इन इंडियन एम्बेसी इन टोक्यो, सियोल एंड बांग्लादेश। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने जयदीप सरकार को दक्षिण अफ्रीका में भारत का नया उच्चायुक्त बनाए नियुक्त किया गया है। जयदीप भारतीय विदेश सेवा IFS के 1987 बैच के अधिकारी हैं। फिलहाल भूटान में भारत के राजदूत हैं। वह टोक्यो, सियोल और बांग्लादेश में भी भारतीय दूतावासों में सेवा दे चुके हैं। और नेक्स्ट लास्ट न्यूज बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। इंडियाज फॉरेन मिनिस्ट्री सैड जयदीप सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडियाज एंड साउथ अफ्रीका। सॉरी, इसका इंग्लिश वर्जन नहीं है, हिंदी वर्जन है। भारतीय वैज्ञानिक एवं कारोबारी यूसुफ हमीद को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी 2019 से सम्मानित किया गया है। यूसुफ दवा कंपनी सिप्ला के चेयरमैन हैं। उन्हें इस प्रतिष्ठित निकाय का मानद फेलो बनाया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार, जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और इसके अलावा हमें फॉलो करें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। इन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है कि PDF डाउनलोड PDF हियर, तो PDF का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।